सबको मेरा कैमरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी सोनमित चवाना और आज हाजिर हूँ आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेके 1 जून 2021 से लेके 7 जून 2021 तक के लिए 12 राशियों का हाल। आप कैसे देख सकते हैं अपना राशिफल? अपने लगन कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, चंद्र कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, सन साइन के अकॉर्डिंगली, यानी कि अपने वेस्टर्न ज़ोडियक साइन के अकॉर्डिंगली, आपके नाम का जो पहला अक्षर है उससे जो आपकी राशि बनती है उसके अकॉर्डिंगली भी आप अपना राशिफल देख सकते हैं। हमेशा आप जिस राशि को देखते हैं, जिस प्रिडिक्शन को देखते हैं, बेहतर होगा कि आप उसी से अपना राशिफल देखें। लेकिन अगर आप एक राशिफल से कनेक्ट नहीं होते तो आपके पास इतनी सारी राशियां हैं, आप दूसरी राशि से भी अपना राशिफल देख सकते हैं। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग होती है, कई बार आपसे कनेक्ट होती है, कई बार आपसे कनेक्ट नहीं भी होती है, तो उसके लिए आप अपनी बाकी राशियां बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका राशि फल 1 जून 2021 से लेकर 7 जून 2021 तक के लिए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं इस वीक 1 जून 2021 से लेकर 7 जून 2021 तक के लिए आपकी कैसे एनर्जीज रहने वाली हैं, और कार्ड में बताइए क्या कैसा रहने वाला है इनका माइंड बॉडी सोल। तो हम निकालते हैं स्कॉर्पियो के लिए माइंड बॉडी एंड सोल। स्कॉर्पियोज माइंड के लिए आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड्स। बहुत बर्डन, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारा बर्डन काम करके आप थकान महसूस कर रहे हैं, यानी कि बस अब हो गया, अब मुझे रेस्ट चाहिए। कुछ काम बहुत टाइम से आप चल रहा था जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मेंटली जो है बर्डन महसूस कर रहे थे, तकलीफ महसूस कर रहे थे, बोझा लग रहा था आपको, आपको लग रहा था कब खत्म होगा। तो इस वीक आप उस बर्डन को साइड में करके रेस्ट करने वाले हैं और उस बर्डन काम को जो है छोड़ना भी चाहते हैं, उससे रिलैक्स होना चाहते हैं। और इस वीक आपका यही जो है माइंड में चलता रहेगा कि जो है मेरे को माइंड स्टॉर्मिंग काम नहीं करने हैं, मैं बहुत थक जाता हूँ या मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझे जरूर कुछ और करना चाहिए जिससे कि मैं रिलैक्स हूँ। ये थॉट्स आपके आ सकते हैं क्योंकि आप कहीं पे बहुत ज्यादा ना उसमें दिख रहे हैं, कहते हैं ना स्ट्रेस में दिख रहे हैं कि कैसे करूं, क्योंकि खुद ही आप बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं इस लोड से, जैसे कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा लोड आ गया था। अगर अभी तक नहीं आया था तो हो सकता है हफ्ते की शुरुआती दिनों में आपके ऊपर कोई लोड आ जाए, ऐसा काम आ जाए कि आपको बर्डन लगने लगे, आप लगे कि अब मैं कैसे करूं। हो सकता है आपकी बॉडी थोड़ी सी उतनी एक्टिव नहीं है, उतनी ताकत नहीं है कि आपको लग रहा है कि ये काम मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो हो जाएगा सब कुछ। आप बहुत स्ट्रांग है, वाइंस का कार्ड आया, आपने कोई बहुत बड़ा काम अभी खत्म किया, अचीव किया है, तो आगे भी काम हो जाएगा। आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो जरूर रिलैक्सेशन लीजिए, हक बनता है। उसके बाद बॉडी के लिए आया 3 ऑफ पेंटिकल, मीन्स आपको कुछ हेल्प की जरूरत है। बॉडी मीन्स आपकी रेस्ट मांगती है, आपकी बॉडी को ना थोड़ा आराम चाहिए, आप चाहते हैं कि कोई आपका ध्यान रखे, पैम्पर करे। और कहां तो मुझे ऐसा दिखता है कि लोग आपकी हेल्प कर भी रहे हैं, आपकी तरफ उनका ध्यान भी है, आपको बिल्कुल वो सुकून भी पहुंचा रहे हैं, बहुत जो है देखभाल भी कर रहे हैं, और आपको अपनी देखभाल खुद भी करनी है, बिल्कुल खुद भी करनी है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या खराब है, खाने पीने में भी और बाकी चीजों में भी, जैसे कि ज्यादा बर्डन होके काम नहीं करना घर के बाहर के, जब आपकी बॉडी कहे कि नहीं अब अभी हम नहीं कर सकते तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए, काम होता रहेगा जिंदगी भर, इस टाइम रेस्ट की आपको जरूरत है। अब हम देखते हैं सोल के लिए भी यहाँ कहीं पे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि कहता है पॉज, यानी कि अभी आपकी सारी चीजें रुकी रहेंगी, इस हफ्ते आपका माइंड रुका हुआ है, काम रुका हुआ है, एनर्जीज रुकी हुई है, यानी आई थिंक यू नीड रेस्ट। कहीं पे आपके कुछ काम भी अटके हुए हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी अटके पड़े हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगी कि ये टाइम आपके रिलैक्स करने का है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए और अपने आप को पहले ठीक करिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फिर उसके बाद आप कोई और काम करिएगा। इस हफ्ते कुछ भी नया मत करिएगा,
अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं. एंजल्स कह रहे हैं स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहीं पे ये भी दिख रहा है यस, कि आप कुछ गलत अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप अपने आप को बार बार महसूस करा रहे हैं कि आप थक गए हैं, आप थक गए हैं, आप थक गए हैं. इसी वजह से वो थकान आपके ऊपर बढ़ती चली जा रही है. तो अपने आप को जो है स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप अपने आप को कहिए यू आर द बेस्ट, ऑल इज वेल, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप बिल्कुल अच्छे हैं, आपके अंदर पूरी एनर्जी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं. देखिए जैसा मैनिफेस्ट करेंगे वैसे ही आपकी लाइफ में होगा. तो अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा पाइए. और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन पर्सनलाइज्ड वाला उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आप तक समय पे पहुंच जाए. और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं काफी कमेंट्स के जवाब भी देती हूँ. और अभी के लिए मुझे आगे दीजिए, फिर जल्दी मिलती हूँ. थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग.